नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में एडमिशन से संबंधित दोस्तों सेकंड जो मेरिट लिस्ट निकल गई है तो उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जो है दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करें तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश कर दिया गया। मैंने उसका एक वीडियो अलग से बना दिया इस मेरिट लिस्ट। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना जो है नामांकन हेतु अपना सूचना पत्र जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, बीएससीबी के ऑनलाइन जो है साइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो साइट है दोस्तों ओएफएसएस पे जाके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस पे जाके डाउनलोड करना है दोस्तों, ऑफिशियल फैसिलिटीज ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का दोस्तों, ठीक है, इस पे जाके आप लोग मतलब कि ओएफएसएस पर जाकर डाउनलोड, ये किस तरह से डाउनलोड करिएगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को किस तरह से इस साइट पे जाना है ओएफएसएस पे आप लोगों को मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे जाइए। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है ओएफएसएस। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ओएफएसएस लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे सर्च करिएगा तो सबसे ऊपर में दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोगों को क्या है एक ये जो है लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा, जब भी क्लिक करिएगा तो ओएफएसएस का दोस्तों क्या है आप लोगों का साइट खुल जाएगा, मतलब ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम अप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड का जो है ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट का जो है मतलब कि ओएफएसएस का यहाँ जो साइट है जो मेन साइट है खुल जाएगा। आपको कैसे चेक करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है दे दी गई है। आप लोग को चेक करना है तो यहाँ जाके चेक कर लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बताई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आवेदक इंटरमीडिएट कक्षा में अपने चयन और नामांकन विद्यालय महासंघ की जानकारी पर अपना सूचना जो है डाउनलोड करनी होती है यहाँ क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे कहीं नहीं यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए जिस तरह का पेज मैं खोला था पहले उसी तरह का पेज यहाँ पे आप लोगों दोस्तों नामांकन है तो अपना सूचना पत्र प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या बारकोड नंबर यहाँ पे डालिए। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों ने दोस्तों क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जिस पे बारकोड नंबर होगा ये डालना पड़ेगा, या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एक ही होता है। और यहाँ पे आप लोग दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जो भी है अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए। और यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हैं दोस्तों कैप्चा कोड जो है ये कैप्चा कोड जो है दोस्तों ये वाला जो है ये यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये जो कैप्चा कोड है यहाँ इंटर मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 है 5 है 4 7 9 3 जो है यहाँ पे इंटर कीजिए। जब भी आप इंटर करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो है सूचना पत्र जो है नामांकन सूचना पत्र जो है वो आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए दोस्तों किस तरह से अपना जो है नामांकन हेतु अपना सूचना पत्र जो है डाउनलोड करना है। आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।